सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो खबर हर पल इंडिया ते मैं हाँ बिक्रम गिल। पंजाब च सरकार बनाउण तो पहला आम आदमी पार्टी दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने वड्डे वड्डे दावे करदिआं कहा सी कि असी तुहानू भगवंत मान दे रूप च एक ईमानदार मुख्यमंत्री दे रहे हाँ। जो सरकार बनते ही 10 दिनों के सारे नशा तस्करों नू फड़ के जेलों के सुट देवेगा ते पंजाब नशा मुक्त हो जाएगा। पर अरविंद केजरीवाल के इन बोलों की जमीनी पद्धर की सच्चाई अज जग जार हुंदी नज़र आ रही है। रोज़ एक नवी वीडियो सामने आती है जिस विच कोई ना कोई नौजवान नशे की हालत डिगदा ढहिंदा दिखाई दिंदा है। 6 महीनों का समा हो चुका है भगवंत मान दे पंजाब दे मुख्यमंत्री बनया होया, पर चिट्टा घटन की बजाए वाधा होया दिखाई दे रहा है। अज तो हद ही हो गई जदों भगवंत मान विधानसभा सैशन मगरों पत्रकारां वल्लों नशे खिलाफ पुछे सवालों तो ही भजदे नज़र आए ते कहन लगे कि उन्हां कोल कोई गिद्दड़ सिंह ही नहीं है जो 6 महीनों च ही नशे नूं खत्म कर सके। जदों पत्रकारां ने होर सवाल पुछण की कोशिश की तो भगवंत मान साहब अपनी गल कह के चलते बने। इंज लगता है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं पत्रकारां वल्लों अजिहे सवाल पुछे जाण की कोई उम्मीद ही नहीं सी, पर जदों उन्होंने ये सवाल पुछे तो वह भजदे नज़र आए। आओ तुहानूं मुख्यमंत्री भगवंत मान का वो बयान सुना दें, तो वीडियो भी दिखा दें कि किवें भगवंत मान जी अपने बयान तो भजदे नज़र आ रहे हैं। कंडे बीजे हुए ने हौली हौली चुगांगे, यह कोई गिद्दड़ सिंह ही मेरे को नहीं है कि मैं एको रातों राज कर दूंगा। हाँ मैं बोल लैन दो जी, दसता जी मैं बड़ी मंदभागी गल है कि हजे भी वीडियो जिहड़ियां सामने आ रही ने कि चिट्टा खांद्यां दियां जां चिट्टा टीका लाउंदा दियां, असीं स्कूलों के बच्चों नूं उन्हां नूं खेडां वल लाउण लई असीं खेडां वतन पंजाब दियां शुरू कीतियां। लखां खिडारी खेड रहे ने, जिहड़े बच्चे ने वह भी खेड रहे ने कि मैं भी तहसील ते जितूंगा, मैं जिले तो जितूंगा, मैं स्टेट तो जितूंगा। सो पुलिस भी जिहड़ी है वो हर रोज़ छापे मार रही है, बड़िया नूं भी फड़ांगे, रीहैब सेंटर भी खोल रहे हैं। मसला वड्डा है, लोगों के सहयोग ना हल होगा, तुहाडे सवाल करे नाल जां मेरे जवाब देने नाल कोई फर्क नहीं पैना, ग्राउंड ते जाना पऊगा। असी अपनियां नस्लां बचाउणियां ने, असी अपनियां फसलां बचाउणियां ने, असी पंजाब बचाउणा है। सो इस करके पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाउण दी जिहड़ी लड़ाई है उहनूं होर भी ज़्यादा दृढ़ इरादे नाल लड़ांगे, क्योंकि जो विधानसभा चो अज विश्वास मत मिल गया उहदे नाल बहुत हौसला वधिया। तुसीं देखिया भगवंत मान अपना बयान देने तो बाद इसलिए छेती छेती उतों चले गए क्योंकि अज पत्रकार भी सीधे हो के मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं चिट्टे बारे सवाल करन लग पए सन। यही कारण सी कि भगवंत मान उतों जल्दी जल्दी निकल गए। दरअसल हुण चिट्टे नाल संबंधित घटनावां दिन ब दिन वधदियां ही जा रही ने, ते जद भी देखो लोगों के जो भरोसा करके पंजाब च आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई सी पंजाब च नशे नूं खत्म कर देवेगी, पर इत्थे तां आए दिन ही चिट्टे नाल नौजवानों दियां मौतां दी गिनती वधदी नज़र आ रही है। हुशियारपुर दे विच आ दो बच्चियां दी फोटो, एक 8 साल का एक 10 साल का, ये दोनों भरा और ये बच्चे अज चिट्टे का इंजैक्शन लाने लई मजबूर होए ने। इन्हां दे माता पिता जिहड़े, इन्हां दे माता पिता भी नहीं है और ये बच्चे यह कहिंदे ने कि असीं नशा छड्डण लई तैयार हाँ, पर सानू कोई सरकार वल्लों कोई आंदा ही नहीं, कोई हमायत नहीं। पर जिहड़ा पंजाब दे विच चिट्टा चल रहा अज इहते जिहड़ा करारा वार करन दी जरूरत है, क्योंकि साडे बच्चे जिहड़े है वह बहुत सारे बच्चे 10 गुणा जिहड़े नशे वध गए। अज उस ते गल करन दी जरूरत है विधानसभा दे विच, अज सैशन च वह गल नहीं की जाती। अज ऑपरेशन लोटस जिहड़ा कदी होया ही नहीं उस दे बारे जिहड़ी चर्चा की जाती है। विरोधी धिर ने सख्त लहजे नाल कहा कि विधानसभा इजलास च चिट्टे दे खात्मे लई चर्चा जरूर होनी चाहिए है, पर सत्ता धिर मुद्दियां नूं छड्ड के भरोसगी मता लैके आई है ते ऑपरेशन लोटस ते चर्चा कर रही है। आम आदमी पार्टी भावें लख दावे कर रहे
कि उन्हां वल्लों पंजाब च नशे ते कंट्रोल किया जा रहा है, पर ये दावे सारे खोखले ही नज़र आ रहे हैं। ये अग हुण आप दे विधायकां दे पिंडां तक भी पहुँचती नज़र आ रही है। बठिंडा दे तलवंडी साबो तो आप विधायका ते चीफ विप दे पिंड जगह राम तीर्थ विच एक 20 साल दे नौजवान मनप्रीत सिंह दी लाश मिली है। दस्या जांदा है कि यह लाश पिंड दे ही सरकारी स्कूल विचों मिली है ते मरन वाले नौजवान दी बांह ते नशे दा टीका लगा होया सी ते सरिंज भी मरन वाले दी बांह च ही लगी हुई पाई गई है। मरन वाले नौजवान दे पिता दे बोल सुन तो बाद हर कोई अंदाजा ला सकता है कि किवें लोकां दी आम आदमी पार्टी तो भी उम्मीद टुटदी दिखाई दे रही है। ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਪਾਲਿਆ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਆ ਜੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, 3 ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਛੱਡਤਾ ਜੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਘਰ ਆਏ ਜੀ। ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੀ ਫਿਰ ਵੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, 12 ਵਜੇ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਘਰੋਂ, ਘਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਹ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ 5ਵੀਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਚੜਾਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਤੁਰ ਗਏ ਜੀ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹਰਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਵੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ।